आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। ये जवान कोई आतंकवादी पर बंदूक ताने नहीं है, इसके निशाने पर डेहरी पर काम करने वाले नियोजित शिक्षक हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों पर बिहार सरकार की कहर जारी है। इस कहर में एक महिला शिक्षिका को अपने जान गंवानी पड़ी। कहीं पानी का बौछार तो कहीं लाठी और डंडा, ऐसे में निहत्थे शिक्षक करते भी तो क्या करते। सिर्फ एक ही नारा पूरे राजधानी में गूंज रही थी, नीतीश कुमार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षक अपने मांग पर अड़े हुए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी अपने बल और काबू का प्रयोग किया, पानी छिड़वाने का काम किया और मार मार कर एक हमारे महिला मर गई है, दूध में डाला गया, पुलिस द्वारा डलवाया जा रहा है। इसी कारण हम लोग आज मुख्यमंत्री जी और कृष्णनंदन वर्मा जी को पुतला तान के, और कृष्णनंदन वर्मा जी कहते हैं हमको मालूम नहीं है, हम लोग ने 12 तारीख को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष आवेदन दिया हुआ, जिसका कहीं अभी व्हाट्सएप से निकाल के हम लोग दिखाने का काम करेंगे। अभी यदि हम पर नहीं रोका जाएगा, ऐसे रवैया अपनाया जाएगा तो हम लोग रोड जाम कर हर विद्यालय में तालाबंदी कर देंगे। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हम लोग का समान कार्य, समान वेतन, और जो भी वेतन मिल रहा है इसको सरकारी उसी में जोड़ा जाए। सरकारी सुविधा अनुकंपा है, क्या बोले रिटायरमेंट है, इसी वेतन को काट के हमको सब दिया जाए। यदि हमको वेतन बेसिक नहीं करे, जो भी दे रहे हैं वह सरकारी केंद्रीय वेतन मान में जोड़ा जाए, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय हम लोग को भी किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। वहीं दूसरी ओर बिहटा के संघर्ष शिक्षक संघर्ष समिति ने मार्च निकाला और बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के अर्थी को निकालकर प्रदर्शन किया और फिर अंतिम संस्कार किया। शिक्षकों द्वारा चलाया गया प्रदर्शन काफी घंटों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बैजू के साथ मनोज पांडे, पोल इंडिया, दिल्ली।